स्वावलंबी भारत, सशक्त भारत और उस भारत के साथ विकसित भारत। माँ भारती का ये सपना, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का ये सपना, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का भी ये सपना कि भारत विश्व में सिरमौर हो, और उसके लिए कृत संकल्पित हमारे भारत के रत्न, भारत के युवा और भारत के वैसे लोग जो डे नाइट मिलाकर भारत को सशक्त, मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक भारत पुत्र, भारत के रत्न नीरज कुमार मिश्रा जी हैं, जिनसे मैं आज झारखंड जोहार परिचर्चा में ये बात में रखना चाहता हूँ कि सर, स्वावलंबी भारत के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों ने अभियान छेड़ा है और ये सरकार छेड़ी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप स्वयं एक उद्यमी हैं, किस किस विषयों पे काम करने की ज़रूरत है जिससे हमारा पूरा भारत स्वावलंबी हो जाएगा? सर, इसमें हमें लगता है कि दो ऐसा फील्ड है जिसमें हमें यहाँ के युवा को भी आना चाहिए, यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनको भी आना चाहिए, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको भी आना चाहिए। तो दो फील्ड है, एक हेल्थ केयर का, दूसरा हमारा डिफेंस का। चूँकि मैं डिफेंस से भी जुड़ा हुआ हूँ तो अभी अपने इंडिया में स्वदेशी काफ़ी कुछ बनना शुरू हो गया है। SCA हमारा जो अभी जो चल रहा है फाइटर प्लेन का, वो भी सारा स्वदेशी हो गया है। अभी हमारा मीक को भी स्वदेशी बनाने का प्रयास चल रहा है। दो ही ऐसे हम उसमें काफ़ी कुछ करने के लिए। जी देखिए, मैं बताऊँ, नीरज कुमार मिश्रा जी डिफेंस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए और बहुत ऐसे काम किए हैं कि जो भारत इन पर गौरव करती है, और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DRDO इस्तेमाल करती है और उसमें हमारा देश सुरक्षित और विकसित हो रहा है। नीरज जी, आज के डेट में बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत विशेष प्रोडक्ट है जो आपने खास कर कहा, आपने कहा कि हर एक तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किडनी पेशेंट है, उसका किडनी इन्फेक्टेड है, और मैं गौरवान्वित हूँ कि आप भारत के पुत्र और औरत जो इसके ऊपर सबसे पहले इतना मजबूत तरीके से काम करना शुरू किया है, इतना चरणबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया है, जिससे आने वाला दिन हम इसमें वो मिरेकल करने वाले हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी, नीरज कुमार मिश्रा की तरफ देखेगी। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, जरा वो नटसेल में बताइए। इसमें हम लोग दो स्टेप में काम कर रहे हैं। पहला स्टेप है डायग्नोसिस, दूसरा स्टेप है डिफेंस, और तीसरा है कि ऐसा चीज किया जाए नेचुरल किडनी का। प्रिवेंशन में मेरे जो ईआरडी सिस्टम डिवाइस हम लोग बना रहे हैं, जो दुनिया का टेक्नोलॉजी बेस्ट है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग तीनों का एक कॉकटेल है, तीनों मिलाकर वो डिवाइस हमारा तैयार हुआ है। उसके बाद हमें पता चल गया कि किडनी खराब है, लेकिन किडनी खराब है तो अब उसके लिए किडनी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, हम लोग अगली पंक्ति में बैठे हैं, तो कोई मेडिसिन नहीं है कि आप किडनी को, अभी का जो सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें जो आज का जो विषय हुआ कार्यशाला का, जो तो आपके पास जो निचोड़ है कि आप किडनी जिला विकास सीजन के कैसा संचालन कर रहे हैं, बहुत ही थकाऊ, बहुत ही पैसा, बहुत दृष्टि से कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे परमिशन लेने पर टेस्ट होना चाहिए। जब हम लोग काम कर रहे हैं, डोनर की जरूरत नहीं पड़े, आप आराम से जाएं कहीं पर जहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी मिल रहा है, इतना सस्ता हो, किडनी फेल हुआ, एक दिन में ऑपरेशन हुआ, दूसरा तीसरा दिन से स्वस्थ होकर आना चाहिए। जी, ये मेरा उसमें ऑब्जेक्ट है। जी, बहुत बड़ा विषय और अंतिम, कि युवाओं को, युवा वैज्ञानिकों क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, मैंने शुरू में कहा कि उनको उनके अंदर में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए। उनको अगर जिस फील्ड में काम करें, कुछ भी फील्ड में काम करें, साइंटिस्ट बने तो उसी जिद के साथ बने, एंटरप्रेन्योर बने तो उसी जिद के साथ बने, एक अपने कार्यकर्ता फार्मर बने तो उसी जिद के साथ बने, और इनोवेशन अपने साथ हमेशा, बिना इनोवेशन वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिनके मन में जो सवाल है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का जोहार परिचर्चा में, इनोवेशन अगर उनके साथ है तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज की परिचर्चा में हमने भारत के उस रत्न से बात किया जो आने वाले दिन
बहुत बड़े लोगों को एक निजात मिलने जा रही है किडनी से, और उद्यमिता का एक जीता जागता उदाहरण नीरज कुमार मिश्रा जी, जो स्वावलंबी भारत के लिए भी, स्वदेशी जागरण मंच के लिए भी, माँ भारती के लिए भी, और वर्तमान की जो सरकार $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देख रही है उसमें एक बहुत बड़ा बेंचमार्क स्थापित करने जा रहे हैं। ऐसे भारत भारती के पुत्र को नमन करती है इंडिया टीवी ऑनलाइन, और इनके हरेक मुहिम में इनके साथ काम करने के लिए कृत संकल्पित है, और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में इनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उन हमारे लोगों तक पहुँचे, और वो स्वास्थ्य के प्रति जो परेशान हैं, वो जूझ रहे हैं, उनसे उन्हें निजात मिले, और माँ भारती इन पर गौरव करे, और पूरा भारत जो पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार है, वो हम सब मिलकर उस राह पे चलें और माँ भारती का गौरव बढ़ा सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।